भारत अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय और रंगों से बना हुआ एक डेवलपिंग नेशन है, जहां हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म को मानने और किसी भी भगवान को पूजने की पूरी तरह आजादी है। लेकिन हमेशा से ये देखा गया है कि हमेशा से इन धर्मों के बीच कुछ न कुछ मतभेद रहा है। कहा तो यह भी जाता है कि धर्म हमें जीने का रास्ता सिखाता है। इस दिशा में एक ताजा मुद्दा उठकर आया है दिल्ली से, जहां एक धर्म से जुड़ी संस्थान की 123 संपत्तियां जब्त की जा रही हैं। आज वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि कौन, क्यों और किसकी संपत्तियां कर रहा है जब्त। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी याद से दबा दें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की जानकारी समय पर मिल जाए। बात सामने आ रही है दिल्ली से, जहां दिल्ली वक्फ बोर्ड के हाथों से उनकी करीबन 123 संपत्तियां केंद्र को जाती नजर आ रही हैं। यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। इन वक्फ प्रॉपर्टीज में मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने केंद्र के इस कदम पर तीखा रिस्पांस दिया है। खान ने जोर दिया है कि वह केंद्र सरकार को वक्फ संपत्ति पर कब्जा नहीं करने देंगे। लेकिन इन सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये वक्फ बोर्ड होता क्या है और इसका काम सही मायनों में है क्या। क्या होता है वक्फ बोर्ड? लेकिन उससे पहले आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि भारत में रेलवे मंत्रालय और रक्षा विभाग के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है। आपको भी आश्चर्य हुआ होगा कि कैसे कोई एक धर्म से जुड़ी हुई संस्थान इतनी सारी प्रॉपर्टीज की मालिक हो सकती है। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद के वक्त आपने बार बार एक नाम जरूर सुना होगा, सुन्नी वक्फ बोर्ड। सबसे पहले जान लेते हैं कि वक्फ शब्द का असली मतलब क्या है। तो बता दें कि वक्फ उन प्रॉपर्टीज को कहा जाता है जो मुसलमानों के भगवान अल्लाह के नाम पर धार्मिक और चैरिटेबल कार्यों के लिए दान में दे दी जाती है। अगर इसे कानूनी नजरिए से देखा जाए तो ये माना जा सकता है कि अगर कोई शख्स अपनी किसी भी तरह की संपत्ति अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म के पवित्र कार्य में लगाने के लिए दान करता है तो उसे वक्फ कहा जाता है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल किन कार्यों में किया जाता है। इन्हें अक्सर धार्मिक स्कूल चलाने के लिए, कब्रिस्तान बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए या फिर आश्रय स्थल यानी कि शेल्टर होम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वक्फ बोर्ड कैसे बनाए जाते हैं और किस तरह काम करते हैं? वक्फ की संपत्ति का सही संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, तकरीबन हर राज्य में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी है। इन बोर्ड्स का काम इन संपत्तियों का रखरखाव करना होता है और उससे होने वाली इनकम का सही इस्तेमाल भी इनकी ही जिम्मेदारी होती है। देश भर में बने कब्रिस्तान वक्फ भूमि का हिस्सा होते हैं। इनका रखरखाव और इनकम पर भी नियंत्रण वक्फ बोर्ड ही करते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों के वक्फ बोर्डों के साथ तालमेल और गाइडलाइंस डिसाइड करने के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि वक्फ के अंतर्गत दान दी गई हर संपत्ति के एक्विजिशन, मैनेजमेंट, रेगुलेशन एवं यूटिलाइजेशन के लिए सरकार द्वारा बनाए गए बोर्ड को ही वक्फ बोर्ड कहा जाता है। फिलहाल पूरे देश में 30 वक्फ बोर्ड काम कर रहे हैं, जिसके जरिए हर तरह के वक्फ कार्यों को रेगुलेट किया जा रहा है। दोस्तों, अगर कोई वक्फ का निर्माण करता है तो फिर वो उससे अपनी संपत्ति वापस नहीं ले सकता। आपको यह भी बता दें कि कोई गैर मुस्लिम भी वक्फ बना सकता है, लेकिन असल सवाल आस्था का है। उसे इस्लाम में आस्था होनी चाहिए। वक्फ एक अधिनियम यानी कि एक्ट के तहत काम करता है। इसके लिए 1995 में एक्ट भी बनाया गया था, जिसे आज हम वक्फ एक्ट 1995 कहते हैं। इसी एक्ट में बताए हुए नियमों का पालन करते हुए सेंट्रल वक्फ काउंसिल अपना काम करता है और उसके नीचे दूसरे राज्य और जिला स्तर के बोर्ड भी काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ यह भी जान लीजिए कि वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। राज्य वक्फ बोर्ड में भी राज्य सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का चयन किया जाता है। साथ ही हर राज्य की अपनी अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न सदस्यों का चयन भी किया जाता है। वक्फ बोर्ड में एक अध्यक्ष, राज्य सरकार की ओर से एक या दो नॉमिनेटेड व्यक्ति, कई मुस्लिम विधायक और सांसद, राज्य बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य और इस्लाम के जानकार होते हैं। साल 2011 में जस्टिस शाश्वत कुमार ने अपनी एक कमेटी की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तैयार की और उसमें बताया कि अगर पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास मौजूद संपत्ति को पैसों में हिसाब लगाया जाए तो यह करीबन 1.2 लाख करोड़ के आसपास पहुंचती है, और अगर इसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो इसे हर साल करीबन 1200 करोड़ रुपए बनाए जा सकते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पर चीजें बिल्कुल इसके उलट है, जहां वक्फ बोर्ड की इन प्रॉपर्टीज ने 2011 में केवल 163 करोड़ रुपए ही बनाए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में आगे यह भी बताया है कि इन बोर्ड्स की मैनेजमेंट कमिटीज में सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स की भारी कमी है और इस मामले में आगे चर्चा जरूर की जानी चाहिए। अब वापस लौट चलते हैं अपने उसी सवाल की तरफ कि क्यों दिल्ली वक्फ बोर्ड की ये संपत्तियां जब्त की जा रही हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के हाथ से निकल गई है। इस बारे में यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को पत्र लिखा था। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 डी नोटिफाइड प्रॉपर्टीज अब बोर्ड के पास नहीं रहेगी। अब मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की ओर से दिल्ली वक्फ बोर्ड को ऑर्डर भेज दिया गया है
कहा जा रहा है कि उपभूमि और विकास अधिकारी यानी डिप्यूटी LNDO ने 8 फरवरी को बोर्ड को भेजे एक लेटर में उसे 123 वक्फ संपत्तियों से संबंधित सभी मामलों से मुक्त करने के फैसले की जानकारी दी थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा बनाए गए 2 सदस्यीय पैनल के सामने अपना पक्ष नहीं रखा। हालांकि बोर्ड को कई बार मौके दिए गए थे लेकिन उसके बाद भी दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष नहीं रखा था। मंत्रालय के द्वारा भेजे गए ऑर्डर में कहा गया था कि अब तक 123 प्रॉपर्टीज पर उनका कोई इंटरेस्ट सामने नहीं था और अब इस बार बोर्ड का कोई हक नहीं रहा क्योंकि बोर्ड की ओर से कोई ऑब्जेक्शन रिप्लाई 2 सदस्य पैनल के सामने नहीं रखा गया था। इन 123 प्रॉपर्टीज में संसद मार्ग और इंडिया गेट की मस्जिदें भी शामिल हैं, तो कई दरगाह और अरबों की संपत्ति भी शामिल है। इसमें इन 123 प्रॉपर्टीज का मालिकाना हक UPA सरकार ने वक्फ बोर्ड को दिया था। इसके खिलाफ हिंदू संगठन भी कोर्ट गए थे। लुटियंस जोन की कई मस्जिदों पर भी मंत्रालय ने नोटिस जारी किए हैं और ये मस्जिदें भी इन 123 प्रॉपर्टीज में आती हैं। वहीं दूसरी ओर वक्फ के मौजूदा चेयरमैन अमानतुल्ला खान जो कि आम आदमी पार्टी से मौजूदा MLA भी हैं, उनकी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि अदालत में हमने 123 वक्फ संपत्ति पर पहले ही आवाज उठाई है। हाई कोर्ट में हमारी WRIT याचिका संख्या 1961/2022 पेंडिंग है। उन्होंने आगे लिखा है कि कुछ लोगों द्वारा इस बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, इसका सबूत आप सबके सामने। हम वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं होने देंगे। बोर्ड के अध्यक्ष ने 17 फरवरी शुक्रवार के दिन केंद्र मंत्रालय के डिप्टी लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर को दिए जवाब में कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को सदस्यीय समिति के गठन के खिलाफ जनवरी 2022 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुका है। मुस्लिम समुदाय इन संपत्तियों का उपयोग कर रहा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से नियुक्त प्रबंध समिति जिन्हें मूतवल्ली कहा जाता है इन संपत्तियों की देखरेख कर रही है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को जब्त करने का ये पहला मामला नहीं है। समय समय पर ऐसे मुद्दे सामने आते रहे। पिछले एक साल में वक्फ बोर्ड की संपत्ति के दावों को लेकर कई विवाद हुए हैं। कई राज्यों में वक्फ बोर्ड पर ही आरोप भी लगा है कि वो गलत तरीके से सरकार या अन्य संपत्तियों पर अपना दावा जता रहे हैं। ऐसे ही कई मामलों की सुनवाई अदालत में भी हो रही है। पिछले साल अक्टूबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को चुनौती देते हुए एक याचिका पर भारत के अटॉर्नी जनरल राजकीय सॉलिटियर जनरल और वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया गया था। तेलंगाना में भी एक मस्जिद की प्रॉपर्टी को लेकर ऐसा ही विवाद पिछले साल सामने आया था। तमिलनाडु में भी वहां के राज्य वक्फ बोर्ड ने एक पूरे गांव पर ही अपना मालिकाना हक जता दिया था, जबकि कावेरी नदी के किनारे स्थित तिरुचिरापल्ली जिले के तिरुचेंतराई गांव में 1500 साल पुराना सुंदेश्वर मंदिर भी मौजूद है। इस बात को लेकर बाद में गांव के लोग भी बहुत हैरान हुए थे कि मंदिर की मान्यता को दरकिनार करते हुए वक्फ बोर्ड कैसे उनके गांव पर इस तरह का दावा जता सकता है। उत्तर प्रदेश में भी जब वक्फ बोर्ड ने बड़े पैमाने पर संपत्तियों पर दावा जताया तो सनसनी फैल गई थी। इसके बाद तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने एक आदेश जारी करके कहा था कि वक्फ की सभी संपत्तियों की जांच कराए जाने का आदेश दिया जाना चाहिए। इसी मुद्दे पर पिछले साल योगी सरकार ने एक नए सर्वे का आदेश जारी करने के साथ वक्फ बोर्ड से जुड़ा 33 साल पुराना आदेश भी रद्द कर दिया था। दरअसल 1989 में उस समय की कांग्रेस सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि यदि बंजर भीटा उसर भूमि का इस्तेमाल वक्फ के रूप में किया जा रहा हो तो उसे वक्फ संपत्ति के रूप में ही रजिस्टर कर दिया जाए। उस आदेश के चलते प्रदेश में लाखों हेक्टेयर बंजर भीटा उसर भूमि वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर ली गई थी। इन सब मुद्दों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वक्फ बोर्ड और सरकारों के बीच जमीनों को लेकर पुराने समय से विवाद रहा है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि किस तरह दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्ला खान इस मुद्दे पर अपनी पार्टी का और अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय का पक्ष रखते हैं। बहरहाल अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मुलाकात होगी ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव और मजेदार वीडियो में।